और ये आर्य छत्तीस क्रिकेट अकेडमी में हमारा जो मैच है आज का उसका शुभारंभ होने जा रहा है। और हमारे समाज के अतिथि पहुँच चुके हैं। पहला मैच है राणा किरण ये इंजीनियरिंग क्लासेज और आपका जो शुभारंभ होने जा रहा है खेल बहुत और यहाँ पर पूरा ग्रुप लेते हुए बहुत ही खुश लगे सभी लोग। और यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है राणा एकेडमी वर्सेस दूसरी एकेडमी, मुझे पता नहीं है पर लेकिन अभी पहुँचा हूँ। और ये कैच हो सकता है यहाँ पर और चारन और फिर से फुल टॉस बॉल थी और सोनू द्वारा बढ़िया फील्डिंग अपने शरीर के हिसाब से इन्होंने काफी मशक्कत की और सोनू काफी और अभी हुआ लंच टाइम छोटू ब्लॉग लगा बाज अरे राज्य तोर भी तो है तो बाहर जा रखे ये हमारे प्लेयर है विनोद नोटियाल ने 50 मारी है और विकेट लिए दो विकेट लिए और 50 मारी 56 रन बनाए और इनका फाइनल है किसे सनशाइन लाइब्रेरी के साथ नॉट आउट। अब देखते हैं सनशाइन लाइब्रेरी के साथ इनका मैच है। अभी जो मैच हो रहा है वो राणा एकेडमी वर्सेज सनशाइन लाइब्रेरी इनके भी जो मैच होगा वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच लगता है वैसा ही मैच होगा। प्रॉब्लम चल रही है अभी और आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल ये सुंदर सा ग्राउंड। अब मैच जो है समाप्ति की ओर जा चुका है। खाना खा के फिर से मैच शुरू कर दिया था और तब थोड़ा बनाने का ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला तो अब ठंड भी लग रही है। शाम का टाइम हो चुका और ये सामने जो देख रहे हो पीछे किमाड़ी की पहाड़ियाँ और ये ठंड हो रही है बहुत ही भयंकर वाली ठंड हो रही है। और आप देखते हैं राणा एकेडमी और सनशाइन लाइब्रेरी के बीच जो मैच है वो मतलब फाइनल की ओर अग्रसर है। शायद 12 ओवर हो चुके हैं और 3 ओवर में अब इनको चाहिए 50 रन तो बहुत ही ज़्यादा रन चाहिए। अब नहीं बनेंगे मात्र मैच पूरा करना है और हमको यहाँ ठंड से। और ये देख सकते हैं आप मैच राणा एकेडमी बैटिंग कर रहा है और सनशाइन लाइब्रेरी वो फील्डिंग में अभी बहुत ही अच्छा जितना ही ग्राउंड तो बहुत ही प्यारा है बहुत ही प्यारा और ये लग बहुत ही भयंकर इस ग्राउंड के बाहर आप देख सकते हैं बिल्कुल सुंदर सी पहाड़ियाँ किमाड़ी की पहाड़ियाँ यहाँ पर और इन पहाड़ियों से बहुत ही भयंकर ठंड आ रही नीचे। एकेडमी की टीम आती है गुरुजी कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है मैच हार रहे मैं बोल नहीं सकता जिस पता है मैच हारे बड़ा मैं बैट जो है बैट टूट गया हमारा जिसको हाँ वो मैंने देखा बल्ला टूट गया था और भाई मैच निश्चित तौर पर हमारा था। चलो कोई नहीं हर साल हम ही तो नहीं जीतेंगे अगली बार फिर अच्छा अपनी टीम के बारे में बहुत अच्छा लगा हमें बहुत अच्छा लगा। और कैसी थी खेली आपकी टीम और राणा एकेडमी की टीम? देखो टीमें तो दोनों ही बैलेंस थी अरे भाई वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर दो और राणा एकेडमी की अरे वहां नहीं यहां खिलाड़ी दोनों ही सही थे। आपकी टीम इस बार पहली बार इसमें परफॉर्मेंस कर रही है राणा एकेडमी दो बार पहले भी खेल चुकी है टूर्नामेंट क्योंकि हमारे टीम में जो खिलाड़ी थे वो काफी अच्छे प्लेयर हैं अनुभवी प्लेयर थे काफी समय से खेलते रहते हैं क्योंकि इस मैच में तो हमने भी पहले बार खेला है। ठीक है धन्यवाद सुनो भाई आप क्या कहना चाहते हैं टूर्नामेंट के बारे में और हार्ड लक के आप लोग ये मैच हार गए आप एक दावेदार टीम थी बहुत हार्ड लक नेक्स्ट टाइम ट्राई करें
और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। ये बहुत शानदार टूर्नामेंट था और बाकी खेल खिलाने वाली टीम ने, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा बीच में दो तीन विकेट हमने बहुत जल्दी जल्दी गंवाए, मेरी टीम के दो तीन बल्लेबाज बिना खाता खोले गए और निश्चित तौर पर उसकी वजह से हारे। और मैं कॉमेंट करना चाहूंगा तरुण सिंह चौहान को, बहुत बड़ी उनकी टीम खेली, निश्चित तौर पर गंगा की काफी बनाना चाहता हूँ मैन ऑफ द सीरीज महेंद्र सिंह चौहान माही, जिन्होंने इस मैच में 5 विकेट और 6 सबसे पहले मैं सोनू को बधाई देना चाहता हूँ। अगर कल मैच की बात कर लीजिए तो सब ये मान के चल रहे हैं कि सबसे नई टीम है, लेकिन उन्होंने एक्सलेंट पहले इन्होंने इन लोगों को 77 रन पे रोका, उसके बाद बहुत कम ओवर में मैच जीता, फिर हमारी टीम को सब विनर मान देते, हम लोग फिर से ऑल आउट करा, आपको बॉल आउट बनाए। दूसरी बात, चलो कोई भी हारा जीता लेकिन हम सब लोगों की गैदरिंग हुई, बहुत अच्छा लगा। और संदीप सर का बहुत योगदान रहा, खजान सर, कौन सर, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला, इतना बड़ा ग्राउंड है, आज मुझे लगता है शायद 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार हेलमेट पहना होगा, तो मतलब ये एक इंडिया क्रिकेट का दीवाना है, तो सबको लेदर की बॉल से खेलने को मिला जो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई के पात्र सब जिन्होंने भी आयोजन करा और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आयोजन होगा। थैंक यू। 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है, जो कि एक उभरते ऑलराउंडर, जिसमें 3 खिलाड़ी अभी आप लोग वेट किए, 3 खिलाड़ी, एक आपके माही, एक राजन शर्मा और एक फटियों से एक लड़के थे जिनकी काफी अच्छी बॉलिंग, आप दोनों के स्टेज में आई और अपना मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर हुकम सर के द्वारा, आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और जो टूर्नामेंट रहा वो बहुत अच्छा रहा, सबके साथ खेलने का मौका मिला, आधे बंदों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, पर इनके साथ खेल के मेरे को फ्रेंडली जैसे घरेलू मैच वैसा खेलने का मौका मिला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे आयोजन आप लोग जो 3-4 संस्थापक जो है अकेडमी वाले एक ऐसा मैच कराते रहें और हमारा सहयोग भी आपको पूरा पूरा मिलेगा। धन्यवाद कीजिए भाई, बात बहुत इनके लिए ताली बजा दें, इनका ही छोट जैसे कि ट्रॉफी और चैक हुकम सर के द्वारा ट्रॉफी भेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और एक चैक इनको भेंट करेंगे। अबे यार फिर खबर ना हो, हट जा इन व्हाट्सएप पे, लो बस उल्टा को यार। और इस टूर्नामेंट का यहीं पर समापन करने की घोषणा की जाती है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं या फिर जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, सब जौनसार, रवाई और गढ़वाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं।